सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, परिवार की सेवा, पूरे विश्व की सेवा, मानव जाति की सेवा, जीव मात्र की सेवा, ईश्वर की सेवा। सेवा जो शब्द है ना, इस शब्द में मानवता का सबसे ऊंचा मूल्य छिपा हुआ है। दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी विचारधारा को अगर भीतर जाकर के हम टटोलने का प्रयास करेंगे तो उसके मूल में कहीं ना कहीं सेवा निहित दिखाई देगी। सेवा हम सबका कर्तव्य है। सेवा उस चीज को कहते हैं जहां हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके किसी अन्य व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भारतवर्ष को आवश्यकता है ऐसे लीडर्स की जो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहते हैं, जो अपनी नौकरी, अपनी गृहस्थी, अपनी दिनचर्या के आगे जा सके। निडर होकर के सेवा करना चाहते हैं। कैसे होगी सेवा देश की? एक बार, सिर्फ एक बार सारे कामों को रोक करके, जो भी आप कर रहे हैं, जिसमें आपका दिन जा रहा है, सबको रोक करके अपने आप से पूछिए कि क्या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे आपके देश को लाभ हो सकता है, देशवासियों को लाभ हो सकता है। ऐसा क्या कर सकते हैं? जैसे आप नौकरी करते हैं तो उससे आपके परिवार को लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है, इसलिए नौकरी करते हैं। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं उससे आपके शरीर को लाभ होता है। जैसे आप कुछ अच्छे लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं इससे आपके मन को, आपके हृदय को लाभ होता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं इससे आपके देश को लाभ हो? उदाहरण के तौर पे एक उद्योगपति जब एक उद्योग स्थापित करता है, सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करता है, तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कई सारे घर बसते हैं, कई सारे घर उसकी वजह से चलते हैं, कई घरों में चूल्हा जलता है। ये देश की सेवा है। जब एक समाज सेवी समाज कल्याण के लिए अपने समय का दान करता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनको मार्गदर्शन देता है, सहयोग करता है, वो देश की सेवा होती है। जब कोई कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति निष्ठा से अपनी नौकरी करता है और अपनी नौकरी का निर्वाह करता है, देश की सेवा होती है। जब कोई विद्यार्थी विद्यार्जन करके नए कीर्तिमान स्थापित करता है, अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम ऊंचा करता है, तो देश की सेवा होती है। जब कोई व्यक्ति अपने वक्तव्य से या अपने कर्मों से समाज को जोड़ने का काम करता है, अलगाववाद की विचारधाराओं को मिटाने का प्रयास करता है, परस्पर मतभेद को मिटा करके समन्वय की स्थापना करने का प्रयास करता है, तो समाज की सेवा होती है।
जब कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा करता है, स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखता है, तो देश की सेवा होती है। जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन करता है, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में नए कीर्तिमान स्थापित करता है, देश को गौरव दिलाता है, तो देश की सेवा होती है। जब कोई वैज्ञानिक नया शोध करता है, कोई नया आविष्कार करता है, देश का गौरव बढ़ाता है, तो देश की सेवा होती है। और जब कोई नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में लेता है और फैसला करता है कि मैं हजारों लोगों की जिंदगियों में एक विचारधारा उत्पन्न करूंगा, एक चेतना उत्पन्न करूंगा, लाखों करोड़ लोगों तक उस चेतना को पहुंचाऊंगा और उस चेतना से अपने पूरे देश को एक दिशा दिखाऊंगा, पूरे विश्व में अपने देश का नाम अग्रणी लेकर जाऊंगा, देश की सेवा होती है। जब हम त्यागते हैं अपने स्वार्थ को और जब अपनाते हैं सबसे बड़े सुख को जिसे हम सेवा कहते हैं, तो जिनकी सेवा करते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, सबसे बड़ा कल्याण अपना खुद का हो जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब लोग अपने अपने कामों में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम लोग एक हैं इस बात को भूल गए हैं। जिस प्रकार से आपके शरीर को, आपके मन को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी गाड़ी को, आपके प्रियजनों को आपकी आवश्यकता है, उसी प्रकार से इस देश को, इस समाज को, इस विश्व को, मानव जाति को, जीव जंतुओं को, पर्यावरण को, पृथ्वी को, भारत माता को आपकी आवश्यकता है। आज चिंतन करें इस बात पर कि आखिर क्या कर सकते हैं जिससे आप भी सेवादान दे सकें। आज सोचें, गहन अध्ययन करें, गहन चिंतन करें, आत्ममंथन करें कि आखिर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका देश और ये दुनिया सेवित हो सके। कौन सी सेवा आप कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? आपके अंदर इतनी कला है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतना साहस है, आपके अंदर इतना धैर्य है, आपके अंदर इतने गुण हैं, आपके अंदर इतना कर्म है, आपके अंदर इतना सौंदर्य है, क्या इसमें से कुछ निकाल करके अपने देश को दे सकते हैं? क्या सच्चे हृदय से अपनी माँ मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं? इतिहास आपको भूल न जाए, आपको याद रखे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सेवा, सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही परम कर्म है, सेवा ही करना चाहिए और सेवा करने में ही सबसे बड़ा सुख है।